ज वेलकम टू आज हम करने वाले एक डिटेल्ड कंपैरिजन बिटवीन दी मी 11x एक्स एंड दईको 7 दोनों ही फोन्स 30,000 थाउजेंड के आसपास लॉन्च हुए काफी सारे बढ़िया स्पेसिफिकेशन ऑफर करते हैं बट द क्वेश्चन इज इन दोनों में से आपको कौन सा खरीदना चाहिए दोनों के कुछ प्रोज है दोनों के कुछ कॉन्स है तो चलिए आज इस वीडियो में इनके बारे में डिस्कस करते हैं शुरुआत तो हम करेंगे कैमरास के साथ तो यहां पे मी 11X में जो कैमरा सेंसर है वो फोर्टी एट मेगा सोनी आई एम एक्स फाइव एटी टू एंड आईको सेवन पे हमें मिलता है 48 एट मेगापिक्सल सोनी आई एम एक्स फाइव नाइनटी एट तो ऑन पेपर आईको का सेंसर बेटर है एंड अगर आप एक्चुअल फोटोज जाके भी देखोगे डेफिनेटली आईको सेवन हैज द बेटर कैमरा यहाँ पे मी इलेवन में प्रॉब्लम

Daylight photos are not that great on Mi 11X. स्किन टोन्स की भी अगर मैं बात करूँ तो स्किन टोन्स भी मुझे आईकू सेवन पे थोड़े ज्यादा अच्छे लगे अब आइको सेवन को आदत है बट इन so बाकी मेजोरिटी ऑफ एक्चुअली आईकू सेवन के स्किन टोन्स ज्यादा अच्छे लगे कंपेयर टू मी इलेवन एक्स मी इलेवन एक्स का मेजर एडवांटेज क्या है कि अगर आप फोटोज में जूम करोगे तो आपको डिटेल ज्यादा मिलेगी बट बाकी अगर आप डे लाइट के फोटोज देखोगे तो डेफिनेवन टेक्स द केक अकॉर्डिंग टू मी उसके अलावा अगर मैं लो लाइट की बात करूं तो यहां पे मी इलेवन एक्स अच्छा परफॉर्म करता है इट्स ऑलमोस्ट ऑन पार विथ आईकू सेवन आईकू सेवन में फॉर सम रीजन ही थोड़ी सी ग्रीनिश स्टेंट आ जाती है लो लाइट फोटोज में कभी कभी तो आई वुड से लो लाइट में मी इलेवन एक्स इज गुड बट डेफिनेटली डे लाइट में एंड इंडोर कंडीशन में मुझे आईकू का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा लगा फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो आइको में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है और शावमी में आपको 20 मेगापिक्सल का मिलता है एंड ऑनस्टली मुझे स्किन टोन्स एंड ओवरऑल जो फोटोज थे वो आइको के थोड़े ज्यादा अच्छे लगे कम्पेयर टू तो मी इलेवन एक्स बट सेल्फी इज अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर तो आप मुझे बताना कि आपको इन दोनों में से कौन से फ़ोन की सेल्फी ज़्यादा अच्छी लगी बट माई पिक फॉर कैमराज इज डेफिनेटली दी आईको सेवन दोनों ही फोन में आपको अल्ट्रा अल्ट्रावेड कैमरा भी मिलता है आईकू में है थर्टीन मेगा का कैमरा और यहाँ पे मी इलेवन में एट मेगा का कैमरा एंड यहाँ पे वन सगेन सेम स्टोरी है अगर आप को तो अल्ट्रा कैमरा इस बेटर। यहां पे आपको ना केवल डिटेलिंग कर दी है बट हाँ इसका जो माइक्रो लेंस है दैट इज वेरी गुड पांच मेगा पिक्सल का माइक्रो लेंस है काफी बढ़िया डिटेल्ड फोटोज खींचता है बट आइको सेवन में सीन क्या है कि इसका जो वाइड एंगल है वही आपका माइक्रो लेंस बन जाता है तो आपको थर्टीन मेगा पिक्सल के शॉट्स मिलते हैं तो हालांकि शाउमी Xiaomi Mi 11X ऑब्जेक्ट के ज्यादा क्लोज जा सकता है आईकू सेवन में आपको ज्यादा डिटेलिंग वाले शॉट मिलते हैं तो यहां पे मुझे मैक्रो परफॉर्मेंस दोनों का ही अच्छा लगा बट आईकू डेफिनेटली इज मोर डिटेल्ड उसके बाद अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आईकू में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन है और ये 4K 60fps तक रिकॉर्ड कर सकता है एट द सेम टाइम शाउमी मी इलेवन एक्सी में बात करूँ तो ये 4K 30 तक ही रिकॉर्ड कर सकता है एंड यहाँ पे ऑप्टिकल इमेज स्टेटेशन नहीं है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाईजेशन है तो द सरप्राइजिंग पार्ट इज अगर आप इन दोनों फोन से वीडियो देखोगे तो फोर पे शाओमी की फुटेज ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू तो आईकू सेवन पता नहीं कैसे इंस्पाइट ऑफ हैविंग ओ आई एस आईकू की फुटेज उतनी ज्यादा स्मूथ नहीं है 4K के पे मी इलेवन एक्स की ज्यादा स्मूथ है तो आईक्यू को यहां पे काम करने की जरूरत है एंड यहाँ पे अगर मैं टेनए uh, टीपी की बात करूं तो टेनएटीपी की फुटेज थोड़ी ज्यादा स्टेबल है आईकू पे बट यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ हैविंग ओ आई एस ऑन दी आईकू सेवन आपका मी इलेवन एक्स ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है वीडियो में मी इलेवन एक्स में आपके पास एक ऑडियो जूम करके फीचर भी है विच इज सॉर्ट ऑफ अ गिमिक बेसिकली अगर आप कहीं पे जूम करते हो वीडियो में तो वो ऑडियो uh, के गेन को बढ़ा देता है तो आपको ऐसा लग रहा है कि ऑडियो भी दूर से आपको ज्यादा क्लियरली आ रहा है बट मैंने ये फीचर इतना ज़्यादा यूज नहीं किया आइको सेवन और मी इलेवन एक्स दोनों में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन एट सेवेंटी प्रोसेसर मिलता है आइको में जो रैम है दैट्स एल पी डी डी आर फोर एक्स एंड शावी मी इलेवन एक्स में एल पी डी डी आर फाइव रैम है बट मैं एक्चुअली ऑनस्टली बात करूँ तो डे टू डे यूजेज में मुझे दोनों ही फोन्स बढ़िया लगे मेरे मी इलेवन एक्स में मी वाई ट्वेल्व पॉइंट फाइव की अपडेट आ चुकी है एंड इन डे टू डे यूजेज यहाँ पे ऐप ओपनिंग स्पीज मल्टीटास्किंग सब कुछ बढ़िया था दोनों ही फोन्स पे कहीं पे भी मुझे लैग या फिर स्टटर या फिर स्लो डाउन देखने नहीं मिले एंड आपको कोई भी

फीचर्स भी है लाइक एमईएमसी बेसिकली क्या करता है इसमें ये आपके फ्रेम रेट इंटरपोलेट करता है ना आप कोई भी 30 40 या 60 एफपीएस वाली गेम 90 या 120 एफपीएस पे खेल सकते हो अब ये सब गेम्स के साथ नहीं चलती सीओडी के साथ ये चलता है बट मुझे पर्सनली इतना डिफरेंस नहीं लगा ये आपको ऐसे बताता है कि आप 90 120 एफपीएस पे खेल सकोगे बट जब आप एक्चुअल गेम प्ले देखोगे

तो आई थिंक अब गेमिंग के लिए आईकू सेवन एंड मी इलेवन दोनों को कंसिडर कर सकते हो दोनों ही फोन पे आपको सिमिलर बैटरी भी मिलती है फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी ऑन दी मी इलेवन एक्स एंड आईकू सेवन पे चार हजार चार सौ मिली एम पार की बैटरी है एंड दोनों की बैटरी लाइफ सिमिलर ही है मुझे रफली ऑन एन एवरेज यूज यू नो मीडियम टू हैवी यूज मुझे साढ़े पांच से छह घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता था दोनों फोन पे तो एक दिन आसानी से निकल जाता था तो दोनों ही फोन में आपको बैटरी की दिक्कत नहीं आनी चाहिए फ्रंट टच हो और मी वाई दोनों बैटरी अच्छी तरह से मैनेज करते हैं जहां पे डिफरेंस आपको लगेगा वो है चार्ज

एंड मी इलेवन पे आपको मिलता है 6.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंच का वन ट्वेंटी मी इलेवन एक्स पे सैम्पलिंग रेट है थ्री सिक्स का यहाँ पे आइको में एंड बोथ ऑफ दिस आर वेरी वेरी गुड अगर मैं आउटडोर विजिबिलिटी की बात करूँ तो दोनों थर्टीन हंड्रेड मिनट्स की पीक ब्राइटनेस हिट करते हैं तो सनलाइट में विजिबिलिटी एकदम बढ़िया है एंड दोनों डिस्प्ले पैनल पे विडियो वॉचिंग एक्सपीरियस भी एकदम मस्त था बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या इन पे लो ब्राइटनेस पे ग्रीन टिंट है तो आईको सेवन पे मुझे थोड़ी सी ग्रीनेशिट देखने मिली थी टेन ट्वेंटी परसेंट ब्राइटनेस पे जो

पे ब्लैक क्रश काफी सीवियर है एंड ओवरऑल IQ7 पे डिस्प्ले का यू नो व्यूइंग एक्सपीरियंस मुझे बेटर लगा राइट right नाउ उसके अलावा दोनों ही फोन पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने मिलते हैं तो स्पीकर्स की क्वालिटी भी एकदम बढ़िया है नो कम्प्लेन देर एंड यहाँ पे मी इलेवन में आपको हेडफोन जैक तो नहीं मिलता बट शाओमी बंडल्स अ टाइप सी टू थ्री पॉइंट फाइव कन्वर्टर इन द बॉक्स एंड शाओमी ऑल्सो सेस की यहाँ पे हाई रेज ऑडियो का सपोर्ट है हेडफोन्स के साथ आईकू में भी हेडफोन जैक नहीं है बट सैडली ये लोग अडेप्टर भी नहीं देते बॉक्स में तो आपको अलग से जाके लेना पड़ेगा एंड यहाँ पे आईकू सेवन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट एमुलट डिस्प्ले है, है तो इट वर्क फास्ट इट वेरीट नो प्रॉब्लम एक्स पे आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिलता है अब आपको फिजिकल यू नो सेंसर पसंद है इन डिस्प्ले पसंद है आपके प्रेफरेंस के ऊपर मुझे दोनों से ही दिक्कत नहीं है दोनों बढ़िया काम करते है। उसके हैं उसके बाद हम आ जाते सबसे मेजर पॉइंट पे विच इज सॉफ्टवेयर तो करेंटली हमारा जो आईकू सेवन है वो फंडा चॉइस पे रन कर रहा है ये Android 11 पे है लेटेस्ट मई वाली सिक्योरिटी पैच भी है एंड आई वुड से कि फंडा चॉइस पिछले एक साल में काफ़ी इंप्रूव हुआ है मैंने जब लास्ट ईयर यूज किया था नब यूज़ कर रहा हूँ आई कैन डेफिनेटली फील द डिफरेंस यहाँ पे डिजाइन उन्होंने काफ़ी स्टॉक एंड्रॉयड से क्लोज कर दिया है इट्स लाइटर इट्स नॉट वेरी हैवी यहाँ पे कोई भी स्टटर्स या लैग्स देखने नहीं मिलते मुझे 120 ट्वेंटी हर्ट्स पे एकदम बढ़िया चल रहा है बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे वो टिपिकल जो ब्लोटवेयर है वो आपको देखने मिलता है मॉज डेली हंड जैसे ऐप्स है यहाँ पे आईकू का जो आई मैनेजर ऐप है वो काफ़ी सारे परमिशंस लेता है प्रिवेसी पॉलिसी साइन वाइन करवाता है सो so, uh, इट्स नॉट द क्लीनेस्ट सॉफ्टवेयर एंड एट द सेम टाइम अगर हम शाओमी की बात करें तो मी इलेवन एक्स पे मुझे कल ही मी वाई ट्वेल्व पॉइंट फाइव की अपडेट आई जिसके लिए ये वीडियो एक दो दिन डिले हो गया एंड यहाँ पे शाओमी ने काफी सारे इम्प्रूवमेंट्स किए हैं आई एम वेरी सरप्राइज कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ब्लोटवेयर एकदम कम है कोई भी बेकार ऐप शाओमी ने इंस्टॉल नहीं किया है प्लस देर आर नो एप रेकमेंडेशन कोई भी टाइप की नहीं है तो फ्रंट जेस के कंपैरिजन में मी ओवाई ट्वेल्व पॉइंट फाइव डेफिनेटली फील्स अ लॉट मोर क्लीन प्लस यहाँ पे शाओमी ने बहुत थोड़े से विजुअल चेंजेस भी किए तो जो डिज़ाइन भी ओवरऑल है वो काफ़ी मस्त लग रही है एंड यहाँ पे भी मुझे कोई भी टाइप के लैग टटर्स या स्लो डाउन देखने नहीं मिले तो दोनों ही इंटरफेस अच्छे हैं बट आई डू फील कि मी ओवाई ज्यादा क्लीन लग रहा है अब मुझे खाली इसमें एक चीज है कि मी ओ आई ट्वेल्व पॉइंट फाइव की अपडेट आ गई है फिर भी मुझे अभी तक यू नो यहाँ पे सिस्टम ऐप्स अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन नहीं आया वो प्रॉब्लम फ्यूचर में आएगा तो शाओमी पता नहीं क्या करते रहता है अपडेट

कम्पेयर टू आईको और रियलमी सो दिस इज विंग यू शुड कीप इन माइंड अगर आपको कस्टमराउ आपके फोन पर यूज़ करना है उसके अलावा अगर मैं कुछ और चीज़ों की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी दोनों ही फोन की काफ़ी सिमिलर है आपको प्लास्टिक की फ्रेम मिलती है एंड फ्रंट और बैक में ग्लास है मी इलेवन एक्सपेक् गोरेला ग्लास फाइव है एंड यहाँ पे आईकू पे कोई अलग कंपनी का ग्लास है इट्स नॉट गोरेला ग्लास ऑन द फ्रंट इट्स फ्रॉम सम डिफरेंट कंपनी काफी कॉम्प्लिकेटेड नाम है नाम मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ अभी तो आईकू पे भी अच्छा खासा ग्लास ही है बट आई वुड स्टिल रेकमेंड कि आप लोग स्क्रीन प्रोटेक्टर डाल दो तो, बिकॉज कोई भी गोरिला ग्लास होने दो स्क्रैच तो वो हो ही जाता है मतलब गोरीला ग्लास विक्टर्स भी स्क्रैच होता है तो गोरेला ग्लास फाइव क्या ही है तो डेफिनेटली गेट अ स्क्रीन प्रोटेक्टर फॉर योर फोन्स और Xiaomi में आपको IR ब्लास्टर भी मिलता है एक्चुअली आपको IP53 की रेटिंग भी मिलती है दोनों चीज़ें आपको आईको पे नहीं मिलती है उसके अलावा अगर हम कुछ छोटी छोटी चीजों की बात करें तो दोनों ही पे सिम का सपोर्ट है 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 में 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 दो 5G है, N77, N78, में खाली N78 है। तो दोनों ही उतना कुछ किल नहीं कर रहे हैं कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट इज मच बेटर ऑन द मी इलेवन एक्स राइट नाउ आइको सेवन पे फोर जी प्लस ये दिखाता है बट द कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट इज नॉट वेरी ग्रेट आपको मी इलेवन एक्स पे राइट नाउ बेटर सपोर्ट मिलेगा उसके अलावा यहाँ पे हैप्टिक फीडबैक मुझे मी इलेवन एक्स पे ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे आप हैप्टिक फीडबैक का भी एडजस्ट कर सकते हो एंड ओवरऑल जो फीडबैक की क्वालिटी है वो भी मी इलेवन पे ज्यादा बेटर है आपको मी इलेवन पे वाई फाई सिक्स भी मिलता है जो आपको IQ पे नहीं मिलता एंड आईक्यू पे आपको एन मिलता है जो आपको मी इलेवन पे नहीं मिलता तो ये जो बेसिक चीजें हैं जैसे वाई फाई हैप्टिक फीडबैक आई ब्लास्टर आईपी रेटिंग कैरियर uh, एग्रीगेशन ये सारी चीज़ें आपको मी इलेवन पे बेटर मिलती है कंपेयर टू आईकू सेवन और ये दोनों ही फ़ोन यू बी सपोर्ट नहीं करते तो आप एच केबल से कनेक्ट नहीं कर सकते इसे आप इसे एल्गैटो में कनेक्ट नहीं कर सकते बट फिर एंड में सवाल ये आता है कि आईको सेवन और मी इलेवन एक्स में आपको कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए सबसे पहले अगर आप फोन्स की प्राइसिंग को कंसिडर करोगे तो आइको सेवन एंड मी इलेवन एक्स दोनों के एट वन ट्वेंटी एट जी वेरियंट की प्राइसिंग थर्टी टू थाउजेंड रुपीज़ के आसपास है एंड आइको पे आपको कुछ टू थाउजेंड रुपीज़ का कैश बैक मिल सकता है एंड मी इलेवन एक्स पे कुछ तीन साढ़े तीन हजार रुपये का कैशबैक है तो आई फील कि अगर आप ये वेरियंट कंसिडर कर रहे हो दोनों फोन्स के तो आइको सेवन डेफिनेटली मेक्स मोर सेंस क्योंकि आइको सेवन पे आपके पास कैमराज बेटर है यहाँ पे परफॉर्मेंस भी बेटर है जैसे मैंने कहा डिस्प्ले

उंड चोइस रिलेटिवली न्यू उसके अलावा यहां पर आईकू के सर्विस सेंटर सब अभी तक तो उतना हमें पता नहीं है तो इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस कैसा होगा इसका ऑफलाइन सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस कैसा होगा वो सारी चीजें हमें उतना अच्छे से नहीं पता है बट स्टिल आईको सेवन सीम्स टू बी अ स्लाइटली बेटर डील देन मी इलेवन एक्स मी इलेवन एक्स आपको कंसिडर करना चाहिए अगर आपका स्ट्रिक्ट ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन थाउजेंड रुपीज का बजट है आपके लिए कैमरा क्वालिटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एंड यू नीड थिंग्स लाइक कैरियर एग्रीगेशन हैप्टिक फीडबैक आपको कस्टम रोम का डेवलपमेंट अच्छा चाहिए अगर आपके लिए वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है देन यू कैन डेफिनेटली गो विद द मी इलेवन एक्सेस बैल्थ दोनों ही फोन बढ़िया है अच्छा परफॉर्म करते हैं बट जो बे बे बेसिक से हमारे लाइक like, परफॉर्म कैमरा एंड डिस्प्ले वो मुझे 7 पे अभी ज्यादा अच्छा लगा लेट्स के बाद चीजें चेंज होती है या फिर नहीं एंड आप मुझे बताना कि आपको इन दोनों फोन्स में से कौन सा अच्छा लगा अभी के लिए तो इतना ही वीडियो अच्छा लगा लाइक करो नहीं अच्छा लगा दो बार डिसलाइक कर लेना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टे होम स्टे सेफ एंड मैं जल्दी आपकी नोटिफिकेशन वापस आऊंगा